तो देखो, हम लोग फ्री फायर में लेजेंड किसको बोल सकते हैं? जिसके पास अच्छा डिसीजन मेकिंग हो, जिसके पास एक्यूरेसी हो, जिसके पास अच्छा रशिंग स्पीड हो, जिसके पास स्किल्स हो, इवन जिसके पास ज़्यादा मूवमेंट हो। बट इन सब चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका फिंगर, क्योंकि फिंगर के सही यूज से ही तुम लोग इन सब चीज़ को परफॉर्म कर पाते हो। बट कहीं कई बार तुम्हारे फिंगर के रॉन्ग यूजेस या फिर स्लो यूजेस की वजह से तुम लोग बहुत गंदे वाले मरते हो, और ऊपर जैसे एग्जाम्पल चल रहा है ये चीज़ तुम्हारे साथ अक्सर होता रहता है। बट डोंट वरी, आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर किया है जिसको अगर आप सही से फॉलो कर लेते हैं देन आपका फिंगर स्पीड काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, और इवन इसको अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं देन ओपोनेंट एनिमी सही बताऊं तो टच भी नहीं कर पाएगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो काफी ओपी है। तो चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते। उससे पहले जो जो बंदे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत डेंजरस फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आते रहते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला ट्रिक है वो है डिजाइन योर ऑन कस्टम एचओडी। अब देखो मोस्टली प्लेयर क्या गलती करता है, किसी एक फ्री फायर प्रो प्लेयर का वीडियो देख लेता है लाइक राइस्टार का, ठीक है, और उसका गेम प्ले उसको पसंद आ जाता है, देन क्या करता है उसका कस्टम एचओडी अपने में डिजाइन कर लेता है या फिर कॉपी कर लेता है। सही है, उसका एक दो मंथ के बाद हाथ बैठ भी जाता है, ठीक है, बट फिर क्या होता है उसके होम पेज में आ जाता है वीडियो वाइट एफएफ का। अब वो बंदा क्या सोचता है, भाई क्या ही हेडशॉट मार रहा है ये बंदा, वाइट एफएफ क्या ही खेल रहा है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वाइट एफएफ का कस्टम एचओडी अपने में डिजाइन कर लेता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तुम लोगों का फिंगर ये नया कस्टम एचओडी रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, और इस चक्कर में तुम्हारा मूवमेंट स्पीड एकदम खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म। तो ये गलती कभी मत करना, अपना एक खुद से कस्टम एचओडी डिजाइन करना, ठीक है। ये मत समझना कि राइस्टार का कस्टम एचओडी लेंगे तभी उसके जैसा खेल पाएंगे, ऐसा कभी नहीं है। अगर तुम लोग मेरे कस्टम एचओडी को देखोगे, ये मैंने खुद से डिजाइन किया है और मैंने अभी तक किसी का कॉपी नहीं किया है, और अगर मेरा कस्टम एचओडी तुम लोग देखोगे तो बहुत अजीब है, लिटरली बहुत ज्यादा अजीब है। देखो इधर, तो यस, अपने से एक कस्टम एचओडी डिजाइन करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सो गाइस, जो नेक्स्ट चीज है वो है टच रिस्पॉन्स। जस्ट इमेजिन आपका फिंगर स्पीड सही है, मतलब ठीक है आप बहुत अच्छे अपने फिंगर्स को मेंटेन कर लेते हो, बट अगर आपका फोन सही नहीं है और उसका टच रिस्पॉन्स सही नहीं है देन आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि राइट टाइम पर अगर राइट बटन प्रेस नहीं होता है देन बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि तुम मर जाओ। सो इस जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फोन का टच रिस्पॉन्स कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो आजकल के जो नए फोन आ रहे हैं, इवन आजकल के नहीं कुछ पुराने फोन में भी मिल जाते हैं, ठीक है, वो चीज है गेम मोड। अगर तुम लोग अपने फोन में देखोगे तो एक गेम मोड मिलता है, थोड़ा सेटिंग में जाकर देख लेना कहीं पर होगा, उसमें क्या होता है इधर एक टच रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलता है, इसको अगर ऑन करते हो तुम लोग लिटरली आपका टच रिस्पॉन्स काफी हद तक बढ़ जाता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, इसमें थोड़ा बैटरी ज्यादा जाता है, ठीक है, बट अब काफी बंदे सोचेंगे भाई हमारा पुराना फोन है और मेरा ये गेम मोड वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकता है, तो उस टाइम पे वो सिंपल सा एक जुगाड़ लगा सकता है, वो है पाउडर। कॉमन सी चीज है, तुम लोग पाउडर लगा लेना अगर ये सब नहीं है तो, ठीक है। सो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं सभी को यही रिकमेंड करूंगा, बाकी सब चीज को छोड़ो बस इसको फोकस करो, और वो है 1v4 गेम प्ले इन कस्टम, ठीक है, मतलब कस्टम में तुमको ऑलवेज 1v4 खेलना है। और अगर सही में बता रहा हूँ, कस्टम में जब तुम 1v4 खेलोगे ना, अगर आपका फिंगर स्पीड इतना हाई हो जाएगा लिटरली बहुत ज्यादा, क्योंकि एक एक टाइम पे चार चार बंदे रस करेंगे। हाँ मुझे पता है ये बहुत हार्ड होने वाला है, पहले पहले बस एक दो राउंड ही जीत पाओगे अपोनेंट एनिमी से, बट लिटरली गाइस जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना देन क्या ही खेलोगे, नेक्स्ट लेवल खेलोगे, सही में बोल रहा हूँ। सो यस, इस चीज को जरूर यूज करना। बट यहाँ पर काफी बंदे बोलेंगे भाई हम लोगों को डेली इतना कस्टम कहाँ से मिलेगा, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, चार फ्रेंड मिलकर एक गिल्ड बनाओ, सेकेंडरी गिल्ड, ठीक है, नूबाइडी से, और उसमें 50 के 50 अपने ही नूबाइडी डाल दो। अब देखो जिस दिन डॉक्टर कंप्लीट करना पड़ेगा उस दिन थोड़ा ज्यादा गेम खेलना पड़ेगा, हम लोग स्कोर कंप्लीट करना पड़ता है 1800 का और हम लोगों को पर गेम मिलता है 40, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया हम लोगों को 45 गेम खेलने हैं, तो कुछ ज्यादा गेम नहीं खेलना है, 45 गेम इजीली खेल सकते हो जिससे तुम्हारा डॉक्टर कंप्लीट हो जाएगा और तुम लोगों को 50 कस्टम मिल जाएगा नेक्स्ट डे, जिससे तुम लोग बहुत ज्यादा 1v4 खेल सकते हो। सो यस, इस चीज को जरूर यूज करना, फिंगर स्पीड तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका डिसीजन मेकिंग और आपका गेम प्ले का स्किल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो जरूर यूज करना। तो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा, वो है प्ले ट्रेनिंग ग्राउंड एवरी डे। देखो अगर तुम लोग अच्छे भी खेलते हो ना फिर भी तुम लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा टाइम देना ही चाहिए, इससे क्या होता है हम लोग का हर एक चीज मेंटेन रहता है, लाइक हमारा एक्यूरेसी, हमारा मूवमेंट, सब कुछ। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, बहुत सारे एनिमी एक जगह पर आ जाता है जिससे कि हम लोग को बहुत फास्ट खेलना पड़ता है, और इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना फिंगर्स भी बहुत फास्ट चलाना पड़ेगा। तो यस, ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर खेलना, इससे भी आपका फिंगर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो गाइस, यही कुछ ट्रिक था फिंगर स्पीड बढ़ाने का, आई होप आप समझ गए होंगे, और ये सारे ट्रिक्स को अप्लाई करना जरूर, आपकी गेम प्ले में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत डेंजरस टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर आते रहते हैं, और साथ ही गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना वो हमारे चैनल का सबसे ओपी वीडियो होने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और हाँ, हमारे दूसरे चैनल पर बहुत ओपी वीडियो आ गया है, जर्नी वीडियो है, तो जरूर जाकर देख लेना, उसको डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसको क्लिक करो पहुंच जाओगे उधर। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।